पैलेस्टीन, जिसे फिलिस्तीन भी कहा जाता है। रमजान का आखिरी शुक्रवार, जिसे अलविदा जुमा कहा जाता है। उसी दिन इजरायली पुलिस ने मना डाला विजय दिवस, जिससे उकसा गए फिलिस्तीनी और उन्हें हुई इंजरीज। इजराइल की इस पाक दिन में, इस पवित्र दिन में, इस्लाम के हिसाब से एक पवित्र दिन माने जाने वाले अलविदा जुमा के दिन जो हरकत की गई, उससे बौखला उठा गाजा पट्टी का हमास आतंकवादी ग्रुप, विद्रोही ग्रुप, और उसने लगातार ताबड़तोड़ सैकड़ों रॉकेट छोड़ दिए इजराइल पर। लेकिन जानते हैं इजराइल का क्या हुआ? इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम, उसने पूरी तरीके से हमास द्वारा दागी गई सारे रॉकेट्स को न्यूट्रलाइज कर दिया, हवा में ही फोड़ दिया। ये शक्ति है इजराइल के आयरन डोम की। ऐसा लगता है ये एक अदृश्य कवच है जो इजराइल को घेरे हुए, और किसी भी विद्रोही, किसी भी आतंकी द्वारा जब हमला किया जाता है तो इजराइल तक वो मिसाइल्स पहुँच नहीं पाती। तो आखिर क्या है ऐसा इसराइल के आयरन डोम में, जिसे इसराइल आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम कहता है, जिसके चलते कोई भी मिसाइल घुस नहीं पाती है उसकी टेरिटरी तक, इसराइल को भेद नहीं पाती है, इसराइल की एयर स्पेस का उल्लंघन नहीं कर पाती है। दोस्तों देखा जाए तो इसराइल गाजा पट्टी जैसी छोटी जगह को, फिलिस्तीन जैसे कमज़ोर देश को बार बार अपने हमलों से जार जार करता आया है, और बार बार उसका कहना है कि वो सिर्फ इसलिए ऐसी एक्टिविटी करता है क्योंकि हमास, जो कि आतंकवादी मानता है जिसे इसराइल, लेकिन फिलिस्तीनी उसे विद्रोही संगठन मानती है जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है इसराइल के खिलाफ। बार बार दोष देकर इसराइल हमला करता है कि हमास ने हम पर पहले हमला किया और हम उस पर हमला करेंगे, और हमास विद्रोही भी अपने आप को शांत नहीं रख पाते हैं जब वो देखते हैं कि इसराइल किस तरीके से दमन कर रहा है फिलिस्तीनी भाइयों का। और ऐसे ही कुछ हुआ इस मंगलवार को, जब बौखलाकर जो कांड किया गया इसराइल द्वारा अलविदा जुमा के दिन, बौखलाकर हमास के विद्रोहियों ने आतंक मचा दिया इसराइल पर और बहुत सारे रॉकेट दागे, लेकिन एक भी रॉकेट घुस नहीं पाया इसराइल पर। बहरहाल इसराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहुत सारे मिसाइल सिस्टम से फायर कर दिया फिलिस्तीन पर, गाजा पट्टी पर। अब क्योंकि गाजा पट्टी एक बहुत ही कमज़ोर पड़ा, एक छोटा सा इलाका बचा रह गया है फिलिस्तीन का, उस पर बेहद नुकसान पहुंचा और बहुत सारे लोग मारे गए। इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स का कहीं वॉल्यूशन हो रहा है तो इसी इलाके में हो रहा है, जहां लोग लगातार मर रहे हैं। लेकिन इसराइल का कहना है कि उसे पूरा हक है कि उस पर अगर कोई हमला करे तो उसका पलटवार करके उसे न्यूट्रलाइज करना चाहता है, और वो ऐसा करता भी है, लगातार करते आ रहा है, लेकिन लोग इससे मर रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्या है इसराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम। ऐसा क्या है इसके अंदर कि हवा में एक इनविजिबल शील्ड बना देता है कि इसराइल पे अगर कोई भी मिसाइल, कोई भी एयरक्राफ्ट, कोई भी यूएवी यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल हमला करता है तो उसे हवा में ही फोड़ दिया जाता है, न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। आइए जानते हैं क्या है इजरायली एयर सिस्टम, जिसे आयरन डोम कहा जाता है। दोस्तों इस बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम की शुरुआत हुई 2006 में, जब इसराइल पर हमला कर दिया गया था लेबनान द्वारा, और उस दौरान इसराइल को ऐसा लगा कि सैकड़ों मिसाइल जब उस पर आएंगे तो उस पर बेहद खतरा हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, इसलिए उसने डेवलप किया एक स्पेशल एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे 2011 में उन्होंने लॉन्च किया और इसे नाम दिया आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम। अब इस एयर डिफेंस सिस्टम की तीन खतरनाक यूनिट्स हैं। पहली यूनिट है जो डिटेक्ट और ट्रैक करती है, जिसमें रडार आता है। गौर से सुनिएगा, डिटेक्ट करना यानी कोई भी ऐसा बाहर से आने वाला वेपन, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे कोई एयरक्राफ्ट हो, चाहे अनमैन्ड एरियल व्हीकल हो, कुछ भी के उसमें आता है, उसे डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी है इनके इस रडार में। वो उसे डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करने के बाद ट्रैक करता है, उसकी ट्रिजेक्टरी को नापता है कि अभी अगर ये वेपन जो उन पर फायर किया गया है यहाँ पर है तो 5 सेकंड बाद वो कहाँ पर होगा, उसे ट्रैक किया जाता है। उसके बाद आती है BMC यानी कि बैटल मैनेजमेंट एंड वेपन कंट्रोल सिस्टम। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें तामीर मिसाइल्स ये लोग डाल के रखते हैं। तामीर खतरनाक मिसाइल है इसराइल द्वारा ईजाद की गई, उसे ये लगा कर रखते हैं, और उसके बाद जैसे ही इसराइल की हवाई सीमा में देखा जाता है कोई वेपन जो दूसरे देश से, दुश्मन देश से फायर किया जाता है, जैसे ही वे हवाई सीमा के अंदर एंटर करता है, घुसता है, वो रॉकेट, मिसाइल या कुछ भी, तो ये BMC जो होता है, बैटल मैनेजमेंट एंड वेपन कंट्रोल सिस्टम, वो आदेश देता है मिसाइल यूनिट को फायर करने के लिए, और फिर मिसाइल फायर हो जाती है। जैसे मिसाइल फायर होती है उसके अंदर पहले से वो इन्फॉर्मेशन रहती है कि कहाँ पर इंटरसेप्ट यानी कि आप टकरा कर फोड़ सकते हैं अंदर से आने वाली मिसाइल को, दुश्मन की मिसाइल को, तो वो इन्फॉर्मेशन पहले से ही फीड होती है उस मिसाइल के अंदर, जो कि BMC रिले करता है मिसाइल यूनिट को, और मिसाइल लॉन्च होती है।
एक बार वो मिसाइल लॉन्च हो जाती है तो उसके बाद जो मिसाइल के अंदर जो तामीर मिसाइल होती है इसराइल के द्वारा डेवलप की गई जो आयरन डोम की बहुत ही अभिन्न अंग है, उसके वॉर हेड में ही ये इन्फॉर्मेशन रहती है कि वो खुद अपने अंदर एक कंट्रोल सिस्टम रहता है उसके अंदर, जिससे वो और ट्रैकिंग करते हुए स्पेसिफिकली फिर एम करती है आने वाले उस रॉकेट को और उसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जितना पास उसके पहुंचने की कोशिश करती है और उसके बाद इंटरसेप्ट करती है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि हर बार ऐसा संभव नहीं कि डायरेक्ट टारगेट पे प्रिसाइज एकदम सटीक हमला हो सके, यानी कि तामीर मिसाइल जब यहाँ से निकले वो एग्जैक्टली उस आती हुई मिसाइल से टकरा सके, ऐसा होना बेहद मुश्किल रहता है। इसीलिए एक लेजर गाइडेड सिस्टम रहता है तामीर मिसाइल्स के अंदर, जो अगर 10 मीटर के एरिया तक पहुंच जाती है तामीर मिसाइल, जो लेजर गाइडेड सिस्टम रहता है उसे वो ऑटो ब्लास्ट कर देता है, यानी कि दोनों मिसाइल्स को टकराने की कोई जरूरत नहीं। 10 मीटर की रेंज में अगर आ गई दोनों मिसाइल्स, यानी कि तामीर मिसाइल जो इसराइल द्वारा छोड़ी गई है और दुश्मन देश से आने वाली मिसाइल अगर 10 मीटर की प्रॉक्सिमिटी में आ जाती है, तो उसके बाद तामीर मिसाइल अपने आप को ब्लास्ट कर लेती है और उसी के साथ तबाह हो जाती है दुश्मन देश द्वारा छोड़ी गई वो मिसाइल। इसी के चलते ये मिसाइल सिस्टम, ये पूरा एयर डिफेंस सिस्टम बेहतरीन और ऑटोमेटिक सिस्टम है, जिसमें किसी आदमी की जरूरत नहीं पड़ती, किसी ऑपरेटर की जरूरत नहीं पड़ती, सारा कुछ ऑटोमेटिक काम करता है, 24 घंटे हर मौसम में दिन हो या रात काम कर सकता है और सटीकता से काम करता है। अब आते हैं इसकी लागत कितनी आती है। 50 बिलियन एक पूरी यूनिट को हैंडल करने का लगता है चार्ज इसराइल पर। और आपको बता दें एक तामीर मिसाइल को लॉन्च करने के लिए $80,000 की कीमत वहां पर पड़ती है। और आपको बता दें एक रॉकेट जो दुश्मन देश या विद्रोही गुट छोड़ता है उसकी कीमत मात्र $1,000 होती है। इसी तरीके से जो विद्रोही ग्रुप होता है, विद्रोही गुट होता है, जैसे कि इस केस में हमास है जो इसराइल पर हमला कर रहा है, वो $1,000 की, यानी कि महज मान के चलिए आप 70,000 रुपए की एक मिसाइल छोड़ता है, जिसे इंटरसेप्ट करने के लिए इसराइल को $80,000 के मिसाइल को वेस्ट करना पड़ता है। लगभग 60-70 लाख की कीमत लग जाती है इसराइल पर, और इस तरीके से इसराइल को भी नुकसान होता है। तो देखा जाए तो बहुत महंगा एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन इसराइल को अपने आप की सुरक्षा करने के लिए इसे डिप्लॉय करना ही पड़ा और इसी तरीके से बचती है वहाँ की जिंदगियाँ, क्योंकि इसराइल घिरा हुआ है दुश्मन देशों से, जिसके चलते उसे इस किस्म के एयर डिफेंस सिस्टम को बनाने की जरूरत पड़ी। अब बारी आती है भारत की। भारत क्या कभी ऐसा इनविजिबल शील्ड पूरी अपनी टेरिटरी पे बना सकता है? तो ये बहुत संभव नहीं है दोस्तों, काफी महंगा होगा। भारत डिपेंड करता है रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर, लेकिन इसके अंदर काबिलियत बहुत ज्यादा होती है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो होगा रशिया से जो इंपोर्ट करने वाली है इंडिया, वो 300 से 400 किलोमीटर दूरी तक की मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करके मार सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा S-400 सिस्टम्स को डिप्लॉय करना पड़ेगा भारत को अपने एयर टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे सेफ बनाने के लिए, अपनी हवाई सीमा को सेफ बनाने के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा और काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा इस बड़े डिसीजन को, इस बड़े मिलिट्री इन्वेस्टमेंट की डिसीजन को, इस फैसले को लेने के लिए किसी भी सरकार को, चाहे मोदी सरकार हो या आने वाली सरकार हो या कोई भी सरकार हो जो भारत सरकार का, और ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल विल और बहुत बड़ा इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, और हाल की स्थिति में ऐसा नज़र नहीं आता है। लेकिन आपको बता दें एयर डिफेंस सिस्टम जो इसराइल ने डेवलप किया है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है, और आज की तारीख में अमेरिकन के पास भी इतना सटीक एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है। आपको बता दें कि आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम 80% से 90% तक की गारंटी देता है कि कोई भी दुश्मन मिसाइल या रॉकेट इसराइल की सीमा तक, इसराइल की हवाई सीमा को चीर कर उसकी धरती तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन फिर भी कुछ मिसाइल्स नीचे गिरती हैं और नुकसान होता है। कुछ भी कहा जाए, ये ताकत की जंग है। इसराइल अपनी ताकत का, अपने पैसे का, अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का पूरा भरपूर लाभ उठाता है आसपास की कंट्रीज को दबाने का, जिसमें शिकार हो रहा है फिलिस्तीन, गाज़ा पट्टी वाले। और चूंकि गाज़ा पट्टी वाले और फिलिस्तीन वाले जो होते हैं वो भी तुरंत प्रोवोक हो जाते हैं इसराइली हरकतों को देखकर, वो भी हमला करते हैं और इससे ज़बरदस्त जान माल का नुकसान हो रहा है। मर तो इसमें इंसान रहा है, लोग बोल रहे हैं ये धर्म युद्ध है जूश जुडाइज्म मानने वालों और इस्लाम मानने वालों के बीच। लेकिन आपको बता दें इसमें बहुत बड़ा कैच है दोस्तों, इस छोटी सी जगह के लिए जो लड़ाई चल रही है इसमें आज तक लाखों लोगों की जाने जा चुकी है और न जाने कितने लोगों की जाने जाएंगी, इसे अभी कभी खत्म होना चाहिए। आपका इस वीडियो को लेकर और आयरन डिफेंस सिस्टम जो कि इसराइल का है उसको लेकर क्या कहना है, क्या विचार है आपके, और भारत कब तक इसे अक्वायर करेगा या कब कर लेना चाहिए, इस पर क्या विचार हैं आपके, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोगों तक जानकारी पहुंच सके। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।